फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। और तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 18 फरवरी। तो आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने किसने व्रत रखा है। मैंने तो व्रत रखा है और अनिका के पापा ने इस साल नहीं रखा है क्योंकि उनकी दवा चल रही है और आज वो सुबह सुबह ही निकल गए लखनऊ के लिए अपनी दवा लेने। तो बस आयत जग चुका था तो मैंने इसको नहला के तैयार कर दिया है। और ये देखो, ये ना इसमें सिंगारदान में ऐसे ही अपना सामान रखता उठाता रहता है, इसका सारा जीएस सिस्टम चलता है। तो बस ये खेल रहा है और अनिका अभी देखिए चुप रहो, और अनिका वहाँ पे अभी सो रही है, ये जगी नहीं लड़की। और हम तो गए थे गंगा नहाने, आयत को यहीं पे नहलाया था क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है, खांसी आ रही है, तो इस वजह से इसको हमने यहीं पे नहला दिया था। और हम गए थे गंगा जी नहाने, तो बस नहा के आए हैं और तैयार हो गए हैं। और अब चलिए चलते हैं, लगा लेते हैं पूजा की थाली, फिर चलते हैं नीचे, मंदिर है शिव जी का। तो आज तो शिव जी का खास दिन है तो शिव जी की पूजा करेंगे। तो बस चलते हैं मंदिर में, उससे पहले कुछ तैयारी है वो करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि बाद में आप लोग पक्का भूल जाते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए देर नहीं करते, अपनी तैयारी करते हैं। तो बस देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब चल रहे हैं पूजा की, करते हैं सबसे पहले तैयारी। तो बस थाली ले ली है मैंने बाहर से क्योंकि प्लेट में इतना सारा सामान आएगा नहीं। और आज बहुत खास खास चीज़ें हैं जो चढ़ानी होती हैं शिव जी को जो उन्हें पसंद हैं। तो बस ये सामान मैं लेके आई थी गंगा जी से क्योंकि वहाँ पर दुकानें आज लगी हुई हैं तो वहीं पर मिल गया था, तो इसलिए मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ा और अनिका के पापा थे भी नहीं, तो दोनों काम आसान हो गए मेरे लिए। यहीं पे मिल गया सारे पूजा का सामान, बेर बेलपत्र फूल प्रसाद जो भी चाहिए था सारा कुछ यहीं पे मिल गया है। और ये पूजा वाले बर्तन थे तो वो मैं ले गई थी साथ में जब नहाने गई थी गंगा जी में, तो वहाँ बालू से अच्छे से ये साफ भी हो गए हैं। और जैसे ही तैयारी हो रही थी तो मैंने सोचा अनिका को यहीं रूम पर छोड़ के चले जाएँगे पूजा करने के लिए, तो ये लड़की जग गई है और बोल रही है कि मुझे भी चलना है, लेकिन इसे नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी सो के जगी हन्नू वगैरह कुछ नहीं किया है, आयत नहा चुका है तो आयत को लेके ही जाएंगे। और नीचे ही है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस नीचे उतर के जाना है हमें। तो बस बाहर गेट पे लगा देंगे ताला और अनिका को यहीं पे बंद कर देंगे रूम पे, और ये बनी रहती है। और अभी 5 मिनट में पूजा करके हम आ जाएंगे। तो बस चावल यहाँ पे रह गए थे तो वो भी मैंने रख लिया है इसमें क्योंकि चावल भी चढ़ते हैं शिव जी को। और बस ये बत्ती है पूजा की, और बस यही जो चीज़ें होती हैं डेली पूजा वाली वो सारा कुछ मैंने रख लिया है। और लोटे में रख लिया है गंगा जल और वहीं से लेके आए थे। तो बस अब चलते हैं, करते हैं अपनी पूजा, और बस इसके बाद में फिर जो घर के काम हैं थोड़े बहुत बचे हुए वो निपटाएंगे, सबसे पहले पूजा करेंगे। रुकना निका, ठीक है, हम पूजा करके आ रहे हैं अभी। और ये लड़की अब सो के जगी है और आज मैंने आंगन वगैरह सारा कुछ क्लीन कर दिया अच्छे से, तो अनिका यहीं पर रुकना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और कैमरा वहाँ पे लेने ही जाएंगे तो इसको यहीं पे रख देते हैं, बाद में आके फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पूजा करके हम आ गए हैं मंदिर से, और जो हमारी डेली वाली घर की पूजा थी वो भी मैंने कर दी है। और बस, और आज हमारा अकेले व्रत है, बच्चों का व्रत है नहीं, तो इनके लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनाएंगे खाना और अपने लिए भी कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक अमरूद और इसको खाएंगे, और अभी एप्पल रखे हैं वो भी खाएंगे, और फिर देखते हैं कुछ बनाएंगे। और अभी इन लोगों ने चाय ब्रेड खा ली है क्योंकि जब वो गए थे तो मैंने उनके लिए बनाई थी चाय और ब्रेड, तो वो दोनों लोग खा के गए, अनिका के पापा खा के गए थे और बच्चों के लिए रख दिया था मैंने, तो ये लोगों ने अभी खा लिया है। और आयत मेरे साथ गया था मंदिर पूजा करके आया है ना बाबू। हाँ। पूजा करने गए थे ना हम लोग। हाँ। ये लड़की बहुत बैड गर्ल है, ये नहीं हन्नू करती सुबह सुबह से ना बाबू। वैसे सुबह सुबह से अमरूद खाली पेट नहीं खाना चाहिए, बट खा लिया है। और ये बच्चे भी जिद कर रहे थे और मैंने इतना छुपा के रखा था, लेकिन फिर भी आया, जान गया और ले आया। एक खा लेंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे ना? हाँ। तो बस फ्रेंड, और अब चल रहे हैं बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ खाना। और आयत गया किचन से एप्पल लेने, बोल रहा है मम्मा इसे भी खा लो, तो एप्पल अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर से खाएंगे। और बस, तो फ्रेंड आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था, और उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली डेली ऐसे ही पहुंचते रहें। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।